हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे रहो भी। सो यप, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ दिस ग्लैम मेकअप लुक। लाइक आप किसी भी फंक्शन पे इसे कैरी कर सकते हो, चाहे वो वेडिंग फंक्शन हो या फिर ऐसा कोई फैमिली गेट टुगेदर हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकअप विदाउट वेस्टिंग अ मिनट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लगाया है एल्फ गुडनेस का सैंडलवुड टोनर। स्किन केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चाहे समर हो चाहे विंटर हो, स्किन केयर आप किया करो बढ़िया से, तभी आपका मेकअप बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस रहेगा और केकी नहीं रहेगा। फिर मैंने यूज़ किया है लैक्मे पेज मिल्क सॉफ्ट क्रीम। ये बहुत ही लाइट वेट क्रीम मॉइस्चराइज़र है और आपके फेस पे एकदम हैवी नहीं लगता बट हाइड्रेट भी रखता है। देन फिर यहाँ पे मैंने अपना आईब्रो फिल किया विद यूजिंग स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल। देन मैं अपने आईब्रो को डिफाइन और क्लीन दिखाने के लिए यूज़ करी हूँ इनसाइड का SD कंसीलर इन द शेड 04 गोल्डन सैंड। आपके लाइक आईब्रो इससे बहुत ही अच्छी दिखती हैं। देन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ब्यूटी ग्लेज का आई शेडो पैलेट। ये गाइस ड्यूप है, ओरिजिनल नहीं है। देन इसे मैं अपने ब्राउन शेड को लेके, ब्राउन कलर को लेके अपने क्रीज पे अच्छे से स्मज आउट करूँगी। देन पिंक शेड लेके मैं पिंक और हल्का सा उस टोन में गया, लाइक लेवेंडर और पिंक के स्टोन में है ये कलर, उसको मैं लेके अपने पूरे आईलेट पे प्लेस करूँगी। देन मैं यहाँ पे वाइट और पिंक शिमर लेके मैं अपने हाफ आईलेट पे प्लेस कर दूँगी। देन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है फॉल्स आईलैशेस दोनों साइज में। देन फॉर आईलाइनर आई एम यूजिंग NY बेक का आईलाइनर। दस मैंने अपने फॉल्स आईलैशेस के बैंड को कवर अप किया है, कोई भी विंग नहीं अप्लाई किया है। देन फॉर प्राइमर आई एम यूजिंग स्टे क्विकी का फर्स्ट बेस ऑयल प्राइमर। बहुत ही अच्छा प्राइमर है बट गाइज आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऑयल प्राइमर को स्किप कर देना, आप कोई जेल बेस्ड या फिर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन फॉर प्राइमर आई एम यूजिंग ब्लू हेवन का हाइपर मैट फाउंडेशन। ये बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है, बहुत ही कम कवरेज देता है बट ये बिल्डेबल है तो आप इसे अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। अच्छे से अप्लाई कर लिया है। बेड ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से आप अपना फाउंडेशन हमेशा ब्लेंड किया करो, उससे ताकि फ्लॉलेस लगता है बहुत ज़्यादा। सो अपने नेक और ईयर को भी कवर कर लेना। देन फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग सेम इनसाइड का SD कंसीलर। जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स या फिर एक्ने की प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ कंसीलर लगा दें। मैं अपने बेस को लॉक करने के लिए, लाइक सेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का वेटलेस कॉम्पैक्ट पाउडर। बहुत ही लाइक बॉम वाला कॉम्पैक्ट पाउडर है गाइज, इन अफोर्डेबल प्राइस मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ इस कॉम्पैक्ट पाउडर को। देन फॉर कॉन्टोर आई एम यूजिंग दिस NY बेका कॉन्टोर स्टिक, माई फेवरेट कॉन्टोर स्टिक। लाइक अफोर्डेबल, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है गाइज, बहुत ही अच्छे से ग्लाइड होता है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है, बहुत ब्यूट बढ़िया है। फॉर ब्लश आई एम यूजिंग ब्लू हेवन का इंटेंस मैट लिपस्टिक एज अ ब्लश। बहुत ही अच्छा कलर है गाइज, बेबी पिंक सा, सो मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसको ब्लश एज अ ब्लश लगाना। सो मैं ब्लश अच्छे से लगा लूंगी चिक्स पे और नोज पे, हल्का सा चिन पे भी। हाइलाइटर के लिए मैं गाइज यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ SFR का फेस पैलेट। ये बहुत ही अच्छा पैलेट है गाइज, इसमें आपको 2 शेड्स ऑफ ब्लश, 1 कॉन्टूर, 1 हाइलाइटर मिल जाता है इन अफोर्डेबल प्राइस में। लाइक आपको ये अंडर 200 में इजीली मिल जाएगा। सो मैं अपने हायर पॉइंट्स पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, ब्रिज ऑफ द नोज, चिक्स, चिन, क्यूपिड्स, वो हर जगह। देन फॉर काजल आई एम यूजिंग व्हाइट काजल, NY बेका कोल व्हाइट काजल।
लोअर लैश लाइन के लिए मैं सिंपली पिंक शेड लेके जस्ट मैं उसको स्मज आउट कर दूंगी। देन मैं वही हाइलाइटर अपने इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन पे भी लगाऊंगी। मस्कारा के लिए मैं गाइज यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ट्विस्ट कर्लिंग मस्कारा। बहुत ही अच्छा मस्कारा है, लाइक आपको ये अगेन ये बहुत अफोर्डेबल है, अंडर 100 आपको मिल जाता है। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी NYB का मिनी रन बेस। ये आपको 4 पैक में आता है, लाइक 1 किट में आपको 4 लिपस्टिक मिलती हैं। आपको ये 199 और 200 में आ जाता है। फॉर सेटिंग मेकअप को सेट करने के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया सिस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे। देन मैंने यहाँ पे ब्लू लगाई, दैट्स इट। सो गाइज यही था आज का मेरा मेकअप लुक। कमेंट में बताना जरूर कैसा लगा ये मेकअप लुक, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे मोर कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बगल में बेल आइकन होगा उसे भी हिट कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। सो या और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली में। सो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।